तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। कैमरा मैन से मैं जूम करवाया, ये देखिए मैंने आपको बताया है कि ये जो भाग है, ये देखिए गड्ढा जो आपको दिखाया, मैंने आपको इससे पहले सुई में बताया था, ये जो भाग है ये हमारा परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है, ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, अंजलि ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बड़ी सिलाई मशीन के बारे में बताने जाने वाला हूँ कि हुक सेटिंग कैसे करते हैं। और ये देखिए ये हुक सेट है, ठीक है, कि अम्ब्रेला मशीन में ये गोल मुंडी है, ये देखिए ये गोल मुंडी अम्ब्रेला मशीन है। इसमें हुक सेट कैसे करते हैं, टाइमिंग क्या रहती है हुक सेट की, और ये सुई की जो टाइमिंग है और जो हुक सेट की टाइमिंग है कैसे मिलती है, मैं आपको बताने जाने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये सुई और सटल की टाइमिंग मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। जैसे ये सुई नीचे जाती है ना, तो ये देखिए इसका जो नुकीला भाग दिख रहा होगा आपको, ये जो नुकीला भाग ऐसा राउंड घूम के आता है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो ये सुई का ऊपरी जो छेद वाला ऊपर वाला जो भाग है, ठीक है, तो आपकी जो नोक है ये इससे मिलना चाहिए, ये देखिए ये इससे मिलना चाहिए, आपके ये जो छेद है दिख रहा है ना आपको सुई का, उसके ऊपर आना चाहिए, जो गड्ढा बना हुआ है इसमें ऊपर आना चाहिए इतना, ठीक है। तो ये टाइमिंग रहता है सुई और सटल का टाइमिंग रहता है कि धागा यहाँ ऊपर से ऐसा जाता है और इसमें फंस के अंदर जाता है, ठीक है। तो इसकी टाइमिंग आप फिर से समझा देता हूँ मैं कि ये जो सुई का जो छेद दिख रहा है आपको, सुई के छेद के ऊपर का हिस्सा ये दिख रहा हुआ कटा हुआ हिस्सा, तो ये जो सुई नीचे जाती है और ये राउंड करके घूम के आता है, तो इसका जो नुकीला भाग है ये सुई के ये गड्ढे में पूरा जाना चाहिए, ये देखिए ये ऐसे जाता है, और ये देखिए ये टाइमिंग रहता है सुई और सटल का टाइमिंग है, ये देखिए ये ऐसा जाएगा, तब ये धागा लेगी। अब ये कैसे सेट करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए हमने ये आला पूरा भाग इसका खोल दिए थे, ठीक है, और सबसे पहले हम ये लगाएंगे इसमें, ये इसमें तीन नट होते हैं, ये देखिए पीछे साइड में ये एक दो और तीन नट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऐसा कर लेंगे, ठीक है, और ये देखिए पहले ये सटल ऐसे ही, अभी हम इसको कसेंगे नहीं, इसमें लूपर सेट करेंगे, लूपर इसको बोलते हैं, ये दिखाइए लूपर, लूपर इसको बोलते हैं, ये सटल के ऊपर साइड में लगता है, इसके लिए ये देखिए एक छेद होता है, ये देखिए ये इसमें लूपर फंसता है, ये जो वाला भाग दिख रहा है ना आपको, ये वाला भाग इसमें ये वाले छेद में फंसता है, ये लूपर भाग इसमें फंसेगा, ये कटा हुआ दिख रहा होगा आपको, इसमें दो दिख रहे होंगे, ठीक है, ये बॉबिन वाला है, इसमें बॉबिन फंसती है और इसमें लूपर का भाग फंसता है, इसमें बॉबिन फंसती है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप, ये इसमें बॉबिन फंसती है, इसमें लूपर का भाग फंसता है। तो दोस्तों ये लूपर मैं बता रहा हूँ, ये लूपर ऊपर फंसेगा, ठीक है, ये देखिए ये लूपर ऐसा फंसता है और यहाँ एक नट कसता है, इसमें दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये आपको यहाँ पर एक नट दिख रहा होगा, ये यहाँ पर एक बना हुआ है, ठीक है, ये इसका एक नट रहता है, ये नट यहाँ लगता है, ठीक है, ये नट को हम कस लेंगे, ये देखिए पैच कस लें, ये देखिए बहुत अहम भूमिका रहती है लूपर की इसमें, ठीक है, लूपर से ही कई बार लूपर आउट हो जाता है तो धागा यहाँ फंसता है, ये देखिए पहले आप लूपर स्टेप टू स्टेप करिएगा, ये देखिए पहले लूपर फंसाइएगा उसके बाद हुक सेट करिएगा, ये लूपर हम इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसमें अब सुई लगाएंगे हम, देखिए बहुत टाइट कर लीजिएगा इसको, ये देखिए लूपर यहाँ, ये बॉबिन का मैंने आपको बता चुका हूँ, ये बॉबिन इधर फंसती है और लूपर का भाग ये रहता है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत हुई होगा। अब इसमें हम सुई फंसा देते हैं, हम सुई फंसाएंगे, मैं आपको सुई लगाने का तरीका भी बता देता हूँ, ये देख रहा है आपको ये नुकीला जो धार वाला जो भाग है, ये देखिए ये सामने फंसेगा, और ये जो पीछे वाला जो भाग मैंने आपको बताया हूँ ये पीछे साइड फंसेगा, ठीक है, तो ये जो धार वाला जो हिस्सा है हम सामने फंसाएंगे, ठीक है, ये देखिए ये धार वाला हिस्सा है, तो इसको आप यहाँ से ऐसा फंसा दीजिए, ये देखिए, और इसको हम टाइट कर लेंगे, देखिए ये देखिए धार वाला जो हिस्सा है ये सामने आना चाहिए आपका, सुई उल्टी मत फंसाइएगा नहीं तो फिर सिलाई अच्छी नहीं आएगी आपकी, तो इसको हम फंसा देंगे, ठीक है, और इसे टाइट कर लेंगे,
तो दोस्तों अब हम इसमें हुक सेट करेंगे। पहले सबसे पहले आप ये जो सुई है नीचे कर लीजिए इसको, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था ये वाला जो भाग है इसका जो नुकीला भाग है, ठीक है, ये देखिए ये ऐसा जाएगा, ये देखिए ये ऐसा इसको लेगा, ये धागा यहाँ से ऐसा लेगा, ये देखिए। तो इसको हम ये नट को टाइट करेंगे कि सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा हल्का सा पीछे कर लेंगे, ठीक है, इतना पीछे कर लेंगे और उसका याला एक नट टाइट कर लेंगे, ठीक है, इतना गैप रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैमरा मैन से हमने जूम करवाया। ये देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो भाग है, ये देखिए गड्ढा जो आपको दिखाया मैंने आपको इससे पहले सुई में बताया था, ये जो भाग है ये हमारा परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है। ये देखिए सुई का ऊपरी भाग आना चाहिए, ये देखिए ऊपरी भाग आ रहा है, ये देखिए ये सुई का ऊपरी भाग आ रहा है, ये देखिए ये 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 देखिए ये परफेक्ट टाइमिंग है। तो ये टाइमिंग आप सीख लीजिए, आप घर बैठे हुक सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो बाकी नट थे हम कस लेंगे उसके बाद, ये देखिए ये परफेक्ट टाइमिंग है, ये देखिए। तो दोस्तों अभी हम नट टाइट कर लेंगे इसका, फुल टाइट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ये लूज रहेगा तो ये आपका हुक सेटिंग सुई और शटल की टाइमिंग बिगड़ जाएगी। ये देखिए तीनों नट आप टाइट कर लीजिएगा इसका, ये देखिए दोस्तों हमने तीनों नट टाइट कर लिए हैं। अब उसके बाद हम इसमें प्रेशर फोर्स कस लिए हैं और इसको हम चला के देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको धागा फंसाने की बताता हूँ, पहले फर्स्ट स्टेप में यहाँ फंसता है, सेकंड स्टेप में यहाँ फंसता है, ये देखिए सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, फिफ्थ में ये। अब हमारा धागा एक बार में ऊपर आना चाहिए, ये देखिए दोस्तों ये देखिए ये एक बार में धागा हमारा ऊपर आ गया है। अब इसमें हम सिलाई करके देखेंगे। दोस्तों अब चला के देखेंगे, ये देखिए ये देखिए दोस्तों सिलाई देखिए, ये देखिए सिलाई आने लगी है इसमें, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा हुक सेट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बताऊंगा, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।